मुस्लिम धर्म का इबादत वाला पर्व शबे बारात बुधवार की रात को मनाई जाएगी। बुधवार की शाम से क्षेत्र के विभिन्न मुस्लिम बहुल्य गांवों में अकीदतमंद नगरी नमाज के बाद कब्रिस्तान ना जाकर लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने अपने घरों में ही इबादत करेंगे। इसी को लेकर कटिहार की औकाफ कमेटी जागरूकता अभियान चला रही है। कटिहार जिले के तमाम मस्जिद और आम लोगों के बीच कमेटी द्वारा इस फरमान को पहुंचाने के लिए औकाफ कमेटी के सचिव मौजीबुर रहमान खुद लोगों को जागरूक कर रहे हैं। मौजीबुर रहमान कहते हैं कि किसी भी तरह से लॉकडाउन ना टूटे, इसलिए औकाफ कमेटी की तरफ से लोगों को शबे बारात की रात को घर में ही इबादत करने को कहा जा रहा है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के आह्वान पे पूर्ण रूपेण जो बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड है वो लॉकडाउन का पालन कर रही है, और ख़ासकर कटिहार जिला के जो सभी वक्फ स्टेट में जो रजिस्टर्ड मस्जिद हैं या उसके अलावे भी जो मस्जिद हैं सभी वक्फ स्टेट के अंदर ही आते हैं, वो पूरी तरह से इस समय में जो आपदा है पूरे देश में जो विकट परिस्थिति उसमें अपना समर्थन दे रहे हैं, जिससे कि हमारा कटिहार आज तक सुरक्षित है। और अभी तक हमारे कटिहार ज़िले में जो रोगियों की संख्या है वह शून्य है। और आज एक बार फिर मुस्लिम समाज का त्यौहार है 9 तारीख को शबे बारात, जिसमें कि शाम के समय अपने पूर्वजों के कब्र पे दुआ करने फातिहा करने लोग शाम के टाइम में जाते हैं, उसमें भी भीड़ होती है। उसके तहत भी हम लोग लॉकडाउन में पूरा सभी लोगों से अपील करने आए हैं कि आप लोग उस लॉकडाउन का पालन करें, उस दिन अपने घर में रहकर ही अपने पूर्वजों के लिए फातिहा करें और दुआ करें और कब्रिस्तान को पूर्ण रूपेण बंद। हम लोग अंजुमन इस्लामिया के तरफ से मस्जिद को जो आदेश हुआ है वक्फ बोर्ड की तरफ से कि बंद कर देना है, मस्जिद के पूरी लॉकडाउन करके बंद कर दिया है। जो मुकामी अगल बगल के लोग इमाम मौजिन वही लोग अभी यहाँ पे ये कर नमाज़ पढ़ने आते हैं, और पूरी तरीके से लॉकडाउन है, सब लोग समर्थन है लॉकडाउन का, सब लोग पालन कर रहे हैं। शबे बारात के लिए भी वक्फ बोर्ड से हिदायत दी गई है कि उस दिन अपनी मस्जिदों के अंदर ताला बंद रखें और जो लोग कब्रिस्तान जा रहे हैं उनको भी रोकें और जाकर के अपने घरों में ही अपने पूर्वजों के लिए दुआ फातिहा जो करना हो अपने घर पे ही करें। हम लोग हाँ मस्जिद की तरफ से ऐलान करते हैं, हम लोग आज भी सुबह ऐलान किए हैं, रोज़ ऐलान होती है जोहर असर के बाद, उस तरह से फिर ऐलान कर दिया जाएगा वक्फ बोर्ड से। मेरा नाम मोहम्मद शकील अहमद हुआ, अंजुमन इस्लामिया के सेक्रेटरी हैं। आपको बता दें कि शबे बारात मुसलमान समुदाय के लोगों के लिए इबादत और फजीलत की रात होती है। ऐसा माना जाता है कि इस रात को अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। शबे बारात की पाक रात को मुसलमान समुदाय के लोग इबादत करते हैं और अपने गुनाहों से तौबा करते हैं। कटिहार से न्यूज़ के लिए श्याम कुमार की रिपोर्ट।